तो यहाँ पे बच्चों अभी हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 142। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 142 क्या लिखा हुआ है इसमें, प्रोग्रेशन इन सीरीज का, जेईई मेंस का क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों इसमें लिखा हुआ है कि लेट ए वन इज इक्वल टू 8, ए टू, ए थ्री, अप टू ए एन, बी एन, ए पी। इफ द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज 50 एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट फोर टर्म्स इज 170, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मिडिल टू टर्म्स। तो बच्चों है तो ये क्वेश्चन जेई मेंस का, लेकिन कम बच्चे इसको कर पाए थे, लेकिन अगर आप सारे बेसिक्स जानते हैं तो उस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो उस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग जरूर से जरूर करेंगे अभी, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन बच्चों ये रहा, क्वेश्चन नंबर 142। तो हर बच्चा इस क्वेश्चन को पहले जरूर से पढ़ ले और खुद से ट्राई करने की कोशिश करे अगर वो वीडियो देख रहा है पहली बार। सबसे पहले क्या लिखा है, लिखा है लेट ए वन इज इक्वल टू 8, ठीक है, यानी कि सारे टर्म एपी में है। तो अगर हम पहला टर्म लिखते हैं 8, तो दूसरा टर्म क्या होगा, 8+d, तीसरा क्या होगा, 8+2d, ठीक है। ऐसे करते करते ए एन क्या होगा, होगा a+n-1 × d। क्या कह रहा है कि भाई ये सीरीज के शुरुआत के 4 टर्म और आखिरी के 4 टर्म से लेना देना है। अगर ऐसा है तो बच्चों इसके आखिरी के 4 टर्म्स आप लिख डालो, तो सबसे आखिरी वाला क्या होगा बच्चों, वो तो एनथ टर्म होगा, होगा a+n-1 × d। उससे पहले वाला क्या होगा बच्चों, होगा 8+nth टर्म से पहले n-1 टर्म होगा, तो ये n-2 × d हो जाएगा। इससे पहले बच्चों 8+n-3 × d हो जाएगा। इससे पहले वाला बच्चों 8+n-4 × d ये हो जाएगा। तो बच्चों आपको शुरुआत के 4 टर्म और आखिरी के 4 टर्म से लेना देना है। तो शुरुआत के बच्चों 4 टर्म आपको नजर आ रहे हैं और आखिरी के भी 4 टर्म आपको नजर आ रहे हैं, और अगर कम समझ में आ रहा है तो ये बच्चों शुरुआत के 4 टर्म और ये आखिरी के 4 टर्म। ये क्लियर हो गया आप सबको जो लोग वीडियो देख रहे हैं। फिर क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स इज 50, तो बच्चों पहले 4 टर्म्स का जो सम है वो आपको क्लियर कट दे दिया गया है कि वो कितना है, 50। तो आपकी इक्वेशन बन गई, इसको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है जिसका नाम है डी। तो 8 4 जा कितना हुआ, 32। डी के कोफिशियंट चेक करते हैं, डी के कोफिशियंट है 3d, 2d और d, यानी कि 6d इज इक्वल टू 50। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6d इज इक्वल टू 50 − 32, दैट मींस 6d इज इक्वल टू 18, दैट मींस d की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो बच्चों d तो हमको पता पड़ गया। फिर ये कह रहा एंड द सम ऑफ इट्स लास्ट फोर टर्म्स, चलिए लास्ट फोर टर्म्स का सम 170। अब बच्चों जो लास्ट फोर टर्म्स है उसमें आप एक ध्यान दीजिएगा, डी की वैल्यू आपको पता है, तो 8+8+8+8, 8 4 = 32, वो तो ये हो गया, ठीक है। और बच्चों डी की वैल्यू जो है वो 3 है, तो डी आप सभी में कॉमन ले लीजिए, तो अंदर जो बचे वो लिख दीजिए। अंदर बचेगा n-4, n-3, n-2, n-1, ये बचेगा बच्चों ये सम करने के बाद, और ये बच्चों कितना है, 170। तो बच्चों यहां से एक वेरिएबल आपको और दिख रहा है n, तो ये बचेगा 32+3 टाइम्स। अब n देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, यानी कि 4n। माइनस वाले टर्म देखो, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये आ गया बच्चों 170। इसको बच्चों आपको सिंप्लीफाई करना है बस। तो ये हो गया 3 × उसमें से 2 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 2n-5 इज इक्वल टू 170 − 30, हो गया 6 × 2n-5 इज इक्वल टू 10 में से 2 गए 8, और 6 में से 3 गए 3, और ये बचा 1, 130। तो 2n-5 इज इक्वल टू 138 डिवाइडेड बाय 6। तो बच्चों कितना हुआ ये, 6 2 = 12 और 6 3 = 18, तो 2n इज इक्वल टू कितना आया, 23+5 कितना हुआ बच्चों, 28। 2n कितना हो गया, 28, यानी n कितना हो गया, 14। यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है बच्चों, इवन टर्म्स है, ध्यान से देखिएगा बच्चों।
इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कौन से हैं? इवन टर्म्स हैं, और जब इवन टर्म्स होते हैं बच्चों तो उसमें एक मिडिल टर्म नहीं होता है, दो मिडिल टर्म होते हैं। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि इसके दो मिडिल टर्म्स का प्रोडक्ट बताओ, और मिडिल टर्म उसमें नंबर ऑफ टर्म्स ही इवन है तो दो ही तो होंगे। तो मिडिल टर्म जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होते हैं बच्चों, तो आपको पढ़ाया गया होगा क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि एन बाई टूअथ है ना, एन एन बाई टू प्लस वनथ, ये दो मिडिल टर्म होते हैं। क्यों भाई ये दो मिडिल टर्म्स होते हैं कि नहीं, ये सबको क्लियर है? यानी कौन सा मिडिल टर्म हो गया? सातवां और आठवां, ये दो मिडिल टर्म हो गए। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा। अब बच्चों सातवां टर्म कौन सा हुआ? चलिए तो कहोगे सर सातवां टर्म निकाल देते हैं, होगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये तो होगा। यानी कितना आया? 8 प्लस 6, 3 जा 18, 18 और 8 कितना हुआ? 26। सर आठवां टर्म भी लिख लेते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यानी 8 प्लस कितना हुआ बच्चों? 21, और 21 प्लस 8 29। हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है देन प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू मिडिल टर्म, ये पूछा है। यानी बच्चों हमको प्रोडक्ट निकालना है, तो आंसर आपका होगा T7 इंटू T8, तो बच्चों क्या 26 इंटू 29। बच्चों जरा इसको जल्दी से आप कैलकुलेटर में या अपने आप से रफ पेज में मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि मैं तो आपके साथ वर्किंग कर रहा हूँ। 26 इंटू 29 तो ये बच्चों आएगा कितना? 754। ये बच्चों आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ। जरा सभी बच्चे चेक कर लीजिए, ये फुल एंड फाइनल आंसर हो गया, मैंने इसको मार्क कर दिया। फिर भी कोई डाउट हो तो आप दोबारा हमको अलग से टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं।